गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं डेली रेल न्यूज़ के 72nd एपिसोड को। पहली खबर है, श्रीनगर बनिहाल के बीच सोमवार से दौड़ेगी ट्रेन, इस वजह से 3 महीने में हुआ करोड़ों का नुकसान। दूसरी खबर है, रेलवे ने HOG तकनीक से चलाई ट्रेनें, बिजली के बिल में आई जबरदस्त कमी। तीसरी खबर है, सप्ताह में एक दिन चंबल एक्सप्रेस का विस्तार आगरा छावनी तक। चौथी खबर है, नए नैरोगेज रेल इंजन पठानकोट कांगड़ा ट्रैक पर दौड़ने को तैयार। अगली खबर है, नेरल माथेरन टॉय ट्रेन टू ट्रंडल अगेन बिफोर अप्रैल। तो इसको हम डिटेल में जानेंगे क्या प्रॉब्लम हुई है। अगली खबर है, ट्रेन इंजन्स व्हील ब्रेक्स इन आंध्र प्रदेश। तो ये केरला एक्सप्रेस के साथ हुआ है, इंजन का पहिया टूट गया है। और बल्लारी रेलवे स्टेशन पर नई ट्रेन का स्वागत। तो ये थी हाइलाइट्स, अब हम जानेंगे खबरें विस्तार से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब पहली खबर है, अब संडे से चलेगी चंडीगढ़ न्यू दिल्ली शताब्दी, बुधवार को बंद रहेगी। तो शताब्दी एक्सप्रेस 12045 अब हर रविवार को भी चलेगी। दोपहर को कैंट रेलवे स्टेशन पर पहुंचने वाली शताब्दी के संडे के दिन चलाने से रेलवे बोर्ड ने आदेश जारी किए हैं। अभी तारीख तय नहीं हुई है, मेंटेनेंस के लिए यह शताब्दी बुधवार को नहीं चलेगी। पहले ऐसा होता था, संडे को नहीं चलती थी और बाकी दिन चलती थी। प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने सितंबर माह में शताब्दी एक्सप्रेस को रविवार चलाने के लिए रेल मंत्री पीयूष गोयल से आग्रह किया था। गृह मंत्री अनिल विज ने कहा था कि रविवार को यह ट्रेन चलने से यात्रियों को राहत मिलेगी। शताब्दी एक्सप्रेस को रविवार से चलाने के लिए रेलवे बोर्ड द्वारा नॉर्दर्न रेलवे, IRCTC व अन्य अधिकारियों को भी पत्र जारी कर दिया गया है। तारीख को लेकर रेलवे मंथन कर रही है, मगर आगामी 2 माह के अंदर भीतर ही ट्रेन चलाना आरंभ हो जाएगी। ट्रेन अपने पूर्व समय पर ही रविवार को चलेगी। इसके चलने से अम्बाला के अलावा आसपास के जिले के यात्रियों को लाभ मिलेगा। इस ट्रेन का समय कालका अम्बाला नई दिल्ली के मध्य चलने वाली शताब्दी से बेहतर है। यही वजह है कि थोड़े समय में यह शताब्दी लोगों के बीच लोकप्रिय बन चुकी है। संडे को 150 पार पहुंच रही थी बेटिंग। तो चंडीगढ़ न्यू दिल्ली रेल मार्ग पर बाया अम्बाला होकर शताब्दी एक्सप्रेस के अप डाउन 3 पेयर चलते हैं। संडे को एक पेयर शताब्दी के नहीं चलने के कारण यात्रियों को परेशानी हो रही थी। शेष 2 शताब्दियों में कन्फर्म टिकट भी नहीं मिल रही थी। इस मामले की शिकायत मंत्री अनिल विज से यात्रियों ने भी की थी। शताब्दी का समय बेहतर मिलेगा फायदा। तो ये दोपहर को 12:42 पर कैंट स्टेशन से रवाना होती है। इस तरह शाम को वापसी में 7:15 पर ट्रेन दिल्ली से चलकर रात्रि 9:40 पर कैंट स्टेशन पहुंचती है। बिजनेसमैन एवं वर्किंग क्लास के लिए यह ट्रेन बेहतर विकल्प है। अन्य दो ट्रेनें कालका अम्बाला नई दिल्ली शताब्दी सुबह व शाम के समय है। एक शताब्दी सुबह चलती है जबकि दूसरी शाम के समय, मगर ये जो शताब्दी है उसका समय बेहतर सूट करता है। अब एक और इसी से जुड़ी खबर आ रही है, सप्ताह में एक दिन चंबल एक्सप्रेस का विस्तार आगरा छावनी तक। तो 17 मार्च से चंबल एक्सप्रेस एक दिन 2000 के साथ आगरा छावनी व हावड़ा के बीच चलेगी। आगरा वासियों के साथ साथ धौलपुर व मुरैना के यात्रियों के लिए भी अच्छी खबर है। हावड़ा के लिए एक और नई ट्रेन शुरू हो रही है। उत्तर मध्य रेलवे ने इसको एक दिन के लिए आगरा छावनी तक विस्तार कर दिया है और यह प्रत्येक मंगलवार शाम 17:45 चलकर बुधवार शाम 17:05 ग्वालियर पहुंचेगी। उसके बाद 17:35 पर मुरैना, 18:20 पर धौलपुर और 19:15 पर आगरा कैंट पहुंचेगी। इसी प्रकार रिटर्न में जो ट्रेन है वो हर गुरुवार को 5:10 पर आगरा से रवाना होगी, 5:58 पर धौलपुर, 6:23 पर मुरैना और 7:10 पर ग्वालियर पहुंचेगी। उसके 5 मिनट ठहराव के बाद हावड़ा के लिए रवाना होगी। दोनों तरफ से हावड़ा और ग्वालियर के बीच समय व हॉल्ट एक से रहेंगे। IRCTC पर ऑनलाइन बुकिंग भी इसकी शुरू हो गई है। अगली खबर है, रेलवे ने HOG तकनीक से चलाई ट्रेनें, बिजली के बिल में आई जबरदस्त कमी। तो नई दिल्ली, भारतीय रेल दिल्ली मंडल ने 32 जोड़ी प्रीमियम ट्रेन व एक्सप्रेस ट्रेनों को हेड ऑन जनरेशन टेक्निक से चलाना शुरू कर दिया है। फिलहाल दिल्ली मंडल की इस तकनीक के जरिए 11 जोड़ी शताब्दी ट्रेनें
8 जोड़ी राजधानी ट्रेनें चलाई जा रही हैं। इसके अलावा 2 जोड़ी दुरंतो ट्रेनें, 1 जोड़ी हमसफर और 10 एक्सप्रेस ट्रेनें भी इस तकनीक के जरिए चलाया जा रहा है। इससे बिजली के बिल में 80% की कमी दर्ज किया। क्या है एचओडी टेक्निक, इस पर मैंने अलग से एक वीडियो बनाया है, आप मेरे चैनल पर उसको देख सकते हैं, लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो इस तकनीक से मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि इंजन से डायरेक्ट बिजली की सप्लाई ट्रेन के बाकी कंपोनेंट्स, जैसे जिनको होटल लोड बोलते हैं, ट्रेन होटल लोड, उसको चलाने के लिए जैसे बिजली के पंखे, बिजली की लाइट्स और एसी चलाने के लिए इंजन से पावर को स्टेप डाउन किया जाता है और उसके बाद यह सब चलाया जाता है। इससे जो डीजल के जनरेटर चलते थे जो कि आवाज़ भी करते थे और प्रदूषण भी करते थे, उनसे निजात मिल गई है। हालांकि जनरेटर अभी इन प्लेस हैं, इन केस कि अगर कभी बिजली सप्लाई में डिसरप्शन होता है तो जनरेटर्स को दोबारा चालू किया जा सकता है। 32 ट्रेनों में प्रयोग हो रही है तकनीक, तो दिल्ली रेल मंडल की 32 ट्रेनों 44 रैक में। तो मैं आपको बता दूं कि कई बार ट्रेन एक होती है नंबर, पर उसकी मल्टीपल रैक्स होती हैं, तो इस हिसाब से 32 ट्रेनों की 44 रैक में इसका इस्तेमाल हो रहा है और इससे 80% बिजली की कमी में खपत कम हो रही है। एचओजी तकनीक के प्रयोग से डिब्बों में एसी चलाने के साथ ही, ये मैं आपको बता चुका हूँ, 65 करोड़ रुपए का डीजल बचेगा। तो रेलवे के दिल्ली मंडल के DRM एसी जैन ने कहा कि एचओजी तकनीक का इस्तेमाल करने से डीजल की खपत नहीं होती, इससे वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण में कमी आएगी। उन्होंने बताया कि एचओजी तकनीक की शुरुआत के साथ जनरेटर कारों की डीजल में हर वर्ष होने वाली खपत तकरीबन 65 करोड़ रुपए बचेंगे इसमें। अब हम बात कर लेते हैं श्रीनगर बानीहाल के बीच सोमवार से दौड़ेगी ट्रेन। इस वजह से 3 महीने से रुका हुआ था और करोड़ों का नुकसान हो रहा था। तो कश्मीर में 3 माह से अधिक समय तक रेल सेवा बंद रही और कल इसे पूरी तरह बहाल कर दिया जाएगा। श्रीनगर बारामूला ट्रैक पर रेल सेवा शुरू करने के बाद अब सोमवार से श्रीनगर बनिहाल ट्रैक पर रेल सेवा शुरू हो जाएगी। प्रशासन ने हरी झंडी दे दी है, हालांकि एहतियातन कड़े प्रबंध किए गए हैं। बीते सोमवार को श्रीनगर बारामूला रेलवे लाइन पर ट्रायल के बाद मंगलवार से सेवा शुरू कर दी गई थी। शनिवार को श्रीनगर बनिहाल रेल लाइन पर रेलवे और सुरक्षा बल के वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में ट्रायल किया गया। रेलवे चीफ एरिया मैनेजर विपिन पुरोहित के अनुसार रविवार को एक और ट्रायल रन होगा। इसके बाद सोमवार से दोनों श्रीनगर बारामूला और श्रीनगर बनिहाल के बीच सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक 2 जोड़ी ट्रेनें चलेंगी। इतने लंबे समय तक रेल सेवा बंद के बाद प्रशासन ने फिर से बहाल करने का फैसला लिया है ताकि आम लोगों को इसका लाभ मिल सके। हाईवे बंद होने पर बड़ा सहारा, रेल प्रबंधन के इस फैसले से दक्षिण कश्मीर के लोगों ने स्वागत किया है। लोगों के अनुसार रेल सेवा शुरू होने से उन्हें बड़ी राहत मिलेगी। GRP और SSP शौकत हुसैन ने कहा है कि पिछले करीब 3 महीनों से रेल सेवा स्थगित थी, इससे लोगों को दिक्कत हो रही थी। श्रीनगर जम्मू हाईवे बंद होने की स्थिति में यह बड़ा सहारा होता है, इसलिए इसे चलाना बहुत ज़रूरी था। ट्रायल के दौरान खुद ट्रेन में बैठकर बनिहाल तक गए और सब कुछ ठीक है, कश्मीर में स्थिति सामान्य हो गई है। अब क्यों हुआ ये सब, तो सब जानते हैं, कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद एजेंसियों ने कहा था कि रेल पटरी पर दौड़ाना सुरक्षित नहीं है। इसके लिए उन्होंने रेल प्रबंधन को घाटी में 5 अगस्त से जम्मू संभाग के बनिहाल से उत्तर कश्मीर के बारामूला तक रेल सेवा बंद करने के निर्देश दिए थे। बंद के चलते 3 महीने के दौरान करीब 3 करोड़ का नुकसान हुआ है। ऐसा दूसरी बार हुआ है कि रेल सेवा इतने लंबे समय तक बंद रखा गया हो। इससे पहले वर्ष 2016 में हिजबुल कमांडर बुरहान वानी के मारे जाने के बाद ऐसे हालात बने थे और रेल सेवा करीब 5 महीने तक बंद रखा गया था। तो अब आप देख सकते हैं कि 370 इतना बड़ा फैसला होने के बाद देश के इंटीग्रेशन का, जम्मू कश्मीर के साथ और लद्दाख अलग से एक यूनियन टेरिटरी बनने के बाद भी 3 महीने बाद इसको रिस्टोर कर दिया गया है। उस दौरान करीब 5 करोड़ का नुकसान हुआ था। वर्ष 2017 और 18 में 44 और 30 दिनों तक रेल सेवा एहतियातन बंद रही थी, तब करीब 1-1 करोड़ का नुकसान हुआ। हम हर चुनौती से निपटने के लिए तैयार। तो जहां तक सुरक्षा का सवाल है, GRP और पुलिस समन्वय कर रही है हर जगह, चाहे वह ट्रैक की सुरक्षा हो या रेलवे स्टेशन के GRP व पुलिस के जवान तैनात हैं।
सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं, हम हर चुनौती से निपटने के लिए तैयार हैं, अब कानून व्यवस्था की कोई समस्या नहीं है, कश्मीर में स्थिति सामान्य हो गई है और ट्रेन सेवा लोगों के लिए है और इसे सुचारू रूप में संचालन करने के लिए लोगों को सहयोग करना चाहिए। शौकत हुसैन, SSP GRP। अगली खबर आ रही है नेरल माथेर एंड टॉयर ट्रेन को लेकर, जिसको कि रिसेंटली चालू किया गया था, जो कि मुंबई में हैवी रेन के कारण डिसरप्ट हो गई थी। तो यू कैन एक्सपेक्ट नेरल माथेर एंड टॉय ट्रेन टू बी अप एंड वर्किंग बिफोर द समर वेकेशन। वर्किंग ऑन रिस्टोरिंग द रेन रेवेज रूट हैज बिगन एंड इट सेटेस कंप्लीशन इन 4 मंथ्स बिफोर अप्रैल। तो ऐसा कहा जा रहा है कि इन अगले 4 महीने में उस ट्रैक को दुरुस्त किया जाएगा और जो रेल सेवा डिस्टर्ब हुई थी उसको अप्रैल तक फिर से चालू कर दिया जाएगा। द वर्क कॉस्ट विच पेग्ड अराउंड ₹6 करोड़ इज चैलेंजिंग एंड देर इज नो रोड एक्सेस टू द डैमेज रेल लाइन। तो उनका कहना है कि यहाँ पर तकरीबन 6 करोड़ का खर्च होगा और काफ़ी चैलेंजिंग है क्योंकि वहाँ पर कोई रोड एक्सेस नहीं है जहाँ पर रेल लाइन डैमेज है। तो मैंने आपको बताया नेरल माथेरन, तो माथेरन से अमन लॉस तक जो रेल लाइन चलती है उसको रिस्टोर किया गया था, अब कंप्लीट जो रेल लाइन है नेरल से माथेरन के बीच उसको रिस्टोर किया जाएगा। अगली खबर आ रही है डिसमेंटलिंग FOB एट कुर्ला रेलवे स्टेशन सैटरडे एंड संडे नाइट। तो एक कुर्ला में फुट ओवर ब्रिज है जिसको डिसमेंटल किया जा रहा है, ये पुराना ब्रिज है। तो सेंट्रल रेलवे विल ऑपरेट स्पेशल ट्रैफिक एंड पावर ब्लॉक्स ऑन डाउन स्लो लाइन एट कुर्ला स्टेशन फ्रॉम 23:00 आवर्स टू 16 एंड टू 4:30 आवर्स टू 17 फॉर डिसमेंटलिंग एंड लॉन्चिंग ऑफ FOB गार्डर्स। तो जो FOB गार्डर्स हैं उसको हटाया जा रहा है और फुट ओवर ब्रिज को डिसमेंटल किया जा रहा है। इससे पहले के रेल न्यूज़ में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से कुर्ला पर एक बहुत ही शानदार फुट ओवर ब्रिज बनाया जाएगा जहां पर ऊपर सब्वे होगा, खाने पीने की व्यवस्था होगी, बैठने की सिटिंग होगी काफ़ी। तो उसी के चलते इसको पुराने ब्रिज को डिसमेंटल किया जा रहा है। अब एक और खबर, कुछ दिनों पहले मैंने आपके साथ एक वीडियो भी शेयर किया था जो कि हैदराबाद का था, जिसमें लिंगमपल्ली काचीगुड़ा जो MMTS चलती है उसमें एक टक्कर हुई थी और उसका जो लोको पायलट था उसकी आज दुखद मृत्यु हो गई है। चंद्रशेखर हु सफर्ड फ्रॉम सीरियस इंजरीज इन द एक्सीडेंट ब्रीथेड हिज लास्ट वाइल अंडरगोइंग ट्रीटमेंट रेलवे एंड हॉस्पिटल सोर्स सेड। तो द लोको पायलट गॉट ट्रैप्ड इन द ट्रेन कैबिन ड्यू टू द कोलाइजन। तो वो ट्रेन जो इतना खतरनाक कोलाइजन था तो उसके इंजन में ही वो जो कैबिन था उसमें ट्रैप्ड हो गया था और उसको 8 आवर्स बाद ऑपरेशन के लिए ले जाया गया था। एज मैनी एज 16 पीपल वर इंजर्ड वेन MMTS लोकल कोलाइड विद द कुरनूल सिकंदराबाद हुंडरी एक्सप्रेस एट काचीगुड़ा रेलवे स्टेशन हेयर ऑन November 11। तो आज 6 दिन बाद उनकी दुखद मृत्यु हो गई उनका मल्टीपल ऑर्गन फेलियर्स के कारण। एक और खबर आ रही है ट्रेन इंजन विल ब्रेक इन आंध्र प्रदेश। तो अमरावती से ये न्यूज है, न्यू दिल्ली त्रिवेंद्रम सेंट्रल हैड लकली एस्केप्ड व्हेन व्हील ऑफ द ट्रेन इंजन ब्रोक एट SSP नेलोर डिस्ट्रिक्ट इन आंध्र प्रदेश ऑन सैटरडे नाइट। तो अभी रिसेंट की बात है, उसका इंजन का जो व्हील था वो क्रैक हो गया था। साउथ सेंट्रल रेलवे चीफ PRO राकेश सेड नो डैमेज वॉज डन टू द पैसेंजर कोचेज एंड नो इंजरी और कैजुअलिटी वर रिपोर्टेड। तो चूंकि इंजन का ही था और गाड़ी स्लो थी तो इसके कारण ना तो कोई कैजुअलिटी हुई ना कोई रेलवे को डैमेज हुआ। वी हैव इमीडिएटली डिस्पैच एन एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन टू द एक्सीडेंट स्पॉट टू अटेंड रिपेयर एंड रिस्टोरेशन ऑफ वर्क। वी हैव ऑल्सो सेट अप अ हेल्पलाइन नंबर इन तिरुपति रेणुगुंटा श्री कालाक्षी एंड गुंतकाल रेलवे स्टेशन टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन ट्रेन मूवमेंट। तो मैं आपको अभी यहाँ पे पिक्स दिखा देता हूँ, ये देखिए आप ये व्हील की पिक्स दे सकते हैं जो कि क्रैक हो गया है और इसको रिपेयर करते हुए ये अधिकारी हैं, तो जैक लगाकर इसको रिपेयर किया गया और बाद में इस ट्रेन को रवाना किया गया। अगली खबर है बल्लारी रेलवे स्टेशन पर नई ट्रेन का स्वागत। तो
ये आप फोटो देख सकते हैं। तो शिवमोगा से रेणुगुट्टा जाने वाली नई रेलगाड़ी एक स्पेशल ट्रेन है। ये बल्लारी स्टेशन पहुंचने पर रेलवे उपभोक्ता समिति के सदस्यों ने ट्रेन का स्वागत किया। यह नई ट्रेन शिवमोगा से रेणुगुट्टा एक्सप्रेस 06223 प्रत्येक बुधवार को सुबह 6:15 पर शिवमोगा से रवाना होकर मोलकमरू रायदुर्ग बल्लारी गुजतुकाल मार्ग से होकर 8:05 पर रेणुगुट्टा पहुंचेगी। इस ट्रेन से तिरुपति जाने वाले श्रद्धालुओं का सफर सुगम हो गया है। इसी तरह वापसी में यह ट्रेन बुधवार को रात 9:45 पर रेणुगुट्टा से रवाना होकर सुबह 11:45 पर शिवमोगा स्टेशन पहुंचेगी। बुधवार को 1 बजे बल्लारी रेलवे स्टेशन पर जब यह ट्रेन पहुंची तो इस ट्रेन का जोर शोर से स्वागत किया गया। इस दौरान जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष वी रवि कुमार, कार समिति के अध्यक्ष, बल्लारी रेलवे स्टेशन विकास समिति के सदस्य टी श्रीनिवासन, रेलवे उपभोक्ता समिति के नेता भरत जैन और बाकी सब साथी उपस्थित थे। ये आप इस ट्रेन का रूट देख सकते हैं। शिवमोगा से चलती हुई चिकबालपुर और चिकबालपुर से होते हुए बिल्लारी और बिल्लारी से गुंतुकाल होते हुए तिरुपति तक जाती है। अब ये काफी अच्छी खबर है कि काफी समय बाद हम देख रहे हैं कि नैरो गेज के इंजन को एक नया लुक और नए तरह से डेवलप्ड किया गया है। तो नए रेल इंजन को पठानकोट कांगड़ा ट्रैक पर दौड़ाने के लिए रेलवे तैयार है। तो पठानकोट से वाया नैरो गेज रेल मार्ग देवभूमि की सुरम्य पहाड़ियों के बीच पर्यटन स्थलों के साथ साथ धार्मिक स्थलों को जोड़ने वाली पालमपुर व कांगड़ा वैली का रेल सफर अब आगामी समय में और सुहाना होने जा रहा है, क्योंकि शीघ्र ही पठानकोट बैजनाथ पपरोला जोगिंद्रनगर रेलखंड पर नए लोको इंजन से अपनी छुकछुक की आवाज़ सुनाई देने के चलते इस नैरो गेज ट्रैक पर 12 नए इंजनों को दौड़ाने का रोड मैप तैयार हो चुका है तथा नए रेल इंजनों का निर्माण मुंबई की परेल वर्कशॉप में तेजी से हो रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि कुछ रेल लाइंस हमारी जो कि हेरिटेज हैं और उनको कभी बंद नहीं किया जाएगा, वो एज इट इज चलती रहेंगी। तो इसी के चलते 12 नए रेल इंजन को लाया जा रहा है। सूत्रों की माने तो इस रेलखंड पर पुराने हो चुके रेल इंजनों की भरपाई के लिए 12 इंजनों का निर्माण होना है, जिसमें पहला इंजन JDM 3715 वर्कशॉप में तैयार हो चुका है तथा पठानकोट व मुंबई में कार्यरत रेलवे इसका अमला इसे अंतिम स्वरूप देने जा रहा है तथा कंपटीशन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। उम्मीद है कि 5-10 दिन में मुंबई के वर्कशॉप से तैयार होने के बाद लोड होकर डिस्पैच कर दिया जाएगा। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो 25 नवंबर तक नए रेलवे इंजन की आमद हो सकेगी। इसके बाद स्टाफ आके इसका ट्रायल करेगा और अगर कोई कमी पेश पाई गई तो उसे तुरंत दुरुस्त करके रेलवे ट्रैक पर चढ़ा दिया जाएगा। ऐसे में संभावना है कि इस महीने के अंत तक नया बना रेलवे इंजन पठानकोट जोगिंद्रनगर रेलखंड पर यात्रियों के कोचों के साथ दौड़ सकेगा। इसके बाद बचे शेष इंजनों को वहां तैयार करके यहां लाने की प्रक्रिया को अमली जामा पहनाया जाएगा। सनद रहे कि मौजूदा इस रेलखंड पर 14 रेल के इंजन के कोच रेलखंड पर 14 इंजन रेल के कोचों को साथ साथ दौड़ा रहे हैं, यानी 7 अप 7 डाउन नैरो गेज रेलगाड़ियां इस अप पर चल रही हैं, जिन्हें ढोने के लिए पुराने इंजनों की 3 वर्ष में की 3 आयु पूरी हो चुकी है। वहीं 4 अन्य 3 की आयु पूरी हो चुकी है, वहीं 4 की अन्य अगले वर्ष के शुरुआत में आयु पूरी हो जाएगी। ऐसे में अगर नए रेल इंजन को तेजी से आकर सेक्शन से जुड़ते हैं तो जो पठानकोट से जोगिंद्रनगर तक का 149 किलोमीटर लंबा सफर यात्रियों के लिए सुगम हो सकेगा। फिलहाल नए रेल इंजनों की आमद प्रदेश के यात्रियों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस रेलखंड पर धार्मिक व पर्यटन स्थल इस प्रकार हैं। तो वर्णनीय है कि यूं तो हिमाचल प्रदेश के कई पर्यटक व धार्मिक स्थलों की देश के साथ विश्व में भी ख्याति है। यहाँ प्रत्येक वर्ष देशी विदेशी सैलानी व तीर्थ यात्री आकर इनकी ओर रुख करते हैं। इसमें अधिकांश सड़क मार्ग से यात्रा करते हैं, परंतु साधन वर्ग के लोग जिनके लिए रेल सफर अधिक सुगम व सस्ता है, यह रेलखंड हिमाचल प्रदेश के पर्यटन व धार्मिक स्थलों जिसमें नूरपुर, कांगड़ा मंदिर, ज्वालामुखी मंदिर, बैजनाथ, पपरोला, धर्मशाला, जोगिंद्रनगर आदि को जोड़ता है। और अगर मौका पड़ा तो जल्द ही मैं खुद इस रूट पर जाने वाला हूँ, तो मैं आपके ये सब नज़ारे आपको दिखा सकूँगा। तो आज के इस ट्रेन टॉक्स में इतना ही। ये एपिसोड आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताएं और
मैं जल्दी को मैंने आपको जैसा पहले भी अनाउंस किया था कि वीकली रेल न्यूज़ और मंथली रेल न्यूज़ भी लाने वाला हूं, ताकि आप एक साथ पूरे वीक की और एक साथ पूरे मंथ की रेल न्यूज़ की हाइलाइट्स का मज़ा ले सकें। और इसी क्रम में मैं आपको जल्दी अपडेट दूंगा, और अगर आपको मेरी रेल अपडेट्स पसंद आ रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे 475 सब्सक्राइबर हो चुके हैं आज ही, और उम्मीद है कि आने वाले इस हफ्ते के अंदर अंदर 500 सब्सक्राइबर का मार्क टच हो जाएगा, जो कि मेरे लिए पर्सनली काफ़ी बड़ा अचीवमेंट होगा। और आप सबके सपोर्ट के लिए धन्यवाद। और आज के इस रेल न्यूज़ में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।